बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस सिलसिले में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है यू डबल एक्स इज इक्वल टू यू डबल टी व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड टी इज ग्रेटर देन 0, यू 0 टी इज इक्वल टू 0, यू 1 टी इज इक्वल टू 0, यू एक्स 0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, यू टी एक्स 0 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई एक्स। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2016 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करना है। ये उसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं और ये दोनों जो हैं इनिशियल कंडीशंस हैं। चूँकि टी डबल पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव है, इसलिए टू इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव था, इसकी वहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन दी हुई थी। तो जितने ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा उतनी इनिशियल कंडीशंस होंगी, जितने ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा उतनी बाउंड्री कंडीशंस होंगी। तो जो सबसे पहला काम होना है वो हमने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें यू डबल एक्स और उधर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी यू डबल टी। हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि ये क्या बन जाएगी, डी स्क्वेयर कैपिटल यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा एस कैपिटल यू माइनस एस स्क्वेयर आएगा चूंकि डबल डेरिवेटिव है, माइनस एस यू टी एक्स जीरो माइनस यू डबल टी एक्स जीरो। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्स है वो चूंकि अनट्रांसफॉर्म वेरिएबल है, इसलिए सिर्फ हम यू की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके स्मॉल यू की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली है वो कैपिटल यू बन गया। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल स्क्वेयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर किसके बराबर होगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी पार्शियल स्क्वेयर यू और पार्शियल एक्स स्क्वेयर डी टी। अब चूंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू टी हो रही है तो ये पार्शियल स्क्वेयर और पार्शियल एक्स डबल डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, हम लिखेंगे ई रेस पर माइनस एस टी यू डी टी और ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बन जाएगा। और ये जो है ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, यू की, तो कैपिटल यू एक्स एस आ जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास। यानी मैंने इसी तरह इसको लिख लिया है डी स्क्वेयर कैपिटल यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर, लेकिन इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी किसके बराबर होता था, एस एफ ऑफ एस एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। तो जब आप यहाँ यू डबल टी लगाएंगे एक्स टी इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे एस स्क्वेयर और कैपिटल यू आ जाएगा एक्स एस माइनस एस स्मॉल यू एक्स जीरो माइनस स्मॉल यू टी एक्स जीरो। ये था, मैंने कहा चलिए आपको रिवाइज करा दूं, चूँकि टी जो है वो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है जो एस में ट्रांसफर होता है ट्रांसफॉर्म होता है, लिहाजा उसके तो डेरिवेटिव्स जो हैं वो रोल प्ले करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते वक्त, लेकिन एक्स अनट्रांसफॉर्म वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो रोल प्ले नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये आपके पास आ गया डी स्क्वेयर यू डी, ये कैपिटल यू है, डी स्क्वेयर यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर कैपिटल यू इज इक्वल टू माइनस एस और यू टी एक्स जीरो किसके बराबर है, वो है माइनस साइन पाई एक्स, और ये वाला जो है यू डबल टी एक्स जीरो वो बताएंगे यू डबल टी एक्स जीरो। ये स्टेप ठीक कर लें, यहाँ पे
यहाँ यहाँ पे क्या आना है, ये सिंगल आना है, ये ठीक कर लो। फॉर्मूला देखिए ना लिखा हुआ एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस, जो स्मॉल एफ है वो कैपिटल एफ बन गया, स्मॉल यू कैपिटल यू बन गया, और एफ ऑफ जीरो है, डेरिवेटिव अभी नहीं आया, इसलिए यहाँ पे अभी सिर्फ यू आएगा और उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव, स्मॉल एफ का सिंगल डेरिवेटिव एट पॉइंट टी इज इक्वल जीरो, तो वो आपने सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पे लगा दी। लिहाजा अब यू एक्स जीरो की वैल्यू आई प्लस साइन पाई एक्स, और यू टी एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, माइनस साइन पाई एक्स। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हमें हमारे पास डी स्क्वेयर कैपिटल यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर कैपिटल यू इज इक्वल टू जी, यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, अब वन माइनस एस, आई थिंक ये लिख सकते हैं साइन पाई एक्स, यही आएगा। चलें नेक्स्ट, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये चूंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल मालूम करना है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, डी स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एस, और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा यू सी एक्स एस किसके बराबर आएगा, वो ये ए, चलिए ए बी लगा लें कॉन्स्टेंट, ई रेस्ट पार माइनस एस एक्स प्लस बी ई रेस्ट पार प्लस एस एक्स, और यू पी किस तरह निकालना है आपने, यू पी आना है वन ओवर डी स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, वन माइनस एस इंटू साइन पाई एक्स जी, इसको जी तो फिर इसका तो वही नहीं करना होता, क्या करना आपने इसको, ये जो पाई एक्स है साइन एक्स का, जो साइन पाई एक्स में जो एंगल का कोफिशेंट है उसको डी में पुट कर देना, फिर नेगेटिव साइन करना है, यही करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वन माइनस एस इंटू साइन पाई एक्स ओवर माइनस पाई स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर माइनस पाई स्क्वेयर, क्या किया हमने, डी में पाई पुट करके फिर नेगेटिव किया, तो डिनोमिनेटर से अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा आपके पास एस माइनस वन साइन पाई एक्स ओवर एस स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर। अब जो सॉल्यूशन आना है यू एक्स एस, वो आना है यू सी एक्स एस प्लस यू पी एक्स एस। यू सी जो था वो मेरे पास था ए ई रेस पावर माइनस एस एक्स प्लस बी ई रेस पावर एस एक्स, और यू पी जो निकला है वो एस माइनस वन साइन पाई एक्स ओवर एस स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन नंबर थ्री कर लेते हैं, और अब ये जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, इनकी वैल्यूज मालूम करने के लिए ये बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस हैं इनमें स्मॉल यू है, जबकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कैपिटल यू बना चुके हैं, वो कैसे बनाया था, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेके। लिहाजा ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इनकी भी आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेके इनको इसको स्मॉल यू से कैपिटल यू में कन्वर्ट कर लें। यू टी जीरो किसके बराबर है, जीरो के। तो जब आप इसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे यू जीरो टी, तो वो किसके बराबर आएगी, कैपिटल यू जीरो एस इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जो यू वन टी है जीरो के बराबर, यहाँ से भी इसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म यू वन टी की लेंगे तो वो आ जाएगी कैपिटल यू
वन एस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये वाली जो बाउंड्री कंडीशन दबाई है इनको हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर थ्री में। इक्वेशन नंबर थ्री में अगर आप x की जगह जीरो पुट करते हैं तो क्या आता है, u u x की जगह आपने जीरो पुट किया, u जीरो s इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये तो फिर जीरो ही हो जाएगा ना। जब x की जगह जीरो पुट कर रहे हैं तो e की पावर जीरो वन हो जाएगा, e की पावर जीरो भी वन हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये u u जीरो एस में हमारे पास चूंकि जीरो है तो एक इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सिक्स। सिमिलरली जब आप थ्री में x की जगह वन पुट करते हैं तो वो u वन एस आता है और a e रेस्ट पावर माइनस एस प्लस बी e रेस्ट पावर एस, और हमने x की जगह वन पुट किया फिर वहाँ फिर जीरो हो जाना है। x की जगह वन तो साइन पाई क्या हो जाना है, जीरो, तो ये फिर दोबारा जीरो आ जाता है। u वन एस जो है वो जीरो के इक्वल है तो a e रेस्ट पावर माइनस एस प्लस बी e रेस्ट पावर एस इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेवन। अगर आप सिक्स में से वैल्यू निकालें b की तो b की वैल्यू क्या निकलती है, माइनस ए। इस वैल्यू को इधर पुट करते हैं a e रेस्ट पावर माइनस एस माइनस a e रेस्ट पावर एस इज इक्वल टू जीरो, तो a कॉमन निकल के e रेस पर माइनस एस पर s इज इक्वल टू जीरो, ये तो कभी जीरो नहीं होना, यहाँ से a जीरो हो गया। और इधर इससे पुट करें तो फिर b भी जीरो हो जाता है क्योंकि b माइनस a के बराबर है, a की वैल्यू जीरो पुट की तो b भी जीरो हो गया। ये वाली वैल्यूज इक्वेशन नंबर थ्री में अगर हम आप पुट कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास बनती है कैपिटल u x s इज इक्वल टू एस माइनस वन इंटू साइन पाई एक्स ओवर एस स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर। ये अब हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन आया है। ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए हमें यहाँ एक दफ़ा फिर दोबारा लैपलास इनवर्स लेनी है। तो जब आप इसकी लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे कैपिटल यू एक्स एस की, तो उधर आपके पास साइन पाई एक्स तो कांस्टेंट ट्रीट होगा इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, तो साइन पाई एक्स तो बाहर आ जाएगा। लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको बेसिकली किसकी लेनी है, एस माइनस वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर की। ये जो है ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल यू में एक्स टी इज इक्वल टू साइन पाई एक्स इंटू, हम इसे लिख सकते हैं लैपलास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर माइनस लैपलास इनवर्स ओवर लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर। अब अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं फिर तो आगे हो जाएगा। तो ये आ गया यू एक्स टी इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, ये तो आपको याद है किसकी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन थी, कॉज कॉस पाई टी की, शाबाश, ये तो आ गया कॉस पाई टी। उधर अब एक चीज की कमी है, अगर पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया जाए तो फिर पूरा हो सकता है, वो आ जाएगा वन ओवर पाई लैपलास इनवर्स पाई ओवर एस स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन की तरफ पहुंच रहे हैं, ये बना साइन पाई एक्स कॉस पाई टी माइनस वन ओवर पाई साइन पाई टी, क्योंकि ये साइन पाई टी की लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
विच वी ऑब्टेन यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। थैंक यू।